गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोग रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित मनुष्य और सर्प नामक कविता को पढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ और उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुई। प्रस्तुत पंक्तियों में दिनकर जी बोल रहे हैं, रे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज है छिपे नदों में भी, सीमित वन में ही नहीं, बहुत बसते पुरग्राम घरों में। यहाँ पर कर्ण अश्वसेन को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, हे अश्वसेन, तुम्हारे वंशज यानी सांप के जो तुम्हारे वंश है, तुम्हारे तुमसे उत्पन्न जो संतानें हैं, वह केवल वन यानी जंगलों में नहीं पाए जाते, या तो नगरों, शहरों और गांवों में भी पाए जाते हैं। तुम्हारे जो वंशज है, तुम्हारी जो संतान है, पूरी पृथ्वी पर बसी हुई है। तो जो वन में रहते हैं वो तो सांप है, जो कि सांप प्रजाति के हैं, लेकिन यहाँ अश्वसेन के वंशज से जो तात्पर्य है, वह जो पृथ्वी पर बसते हैं, उनका मतलब है उन मानव की ओर संकेत किया, उन मनुष्यों की ओर संकेत किया है जो कि छल के द्वारा दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं। हम लोग कहावत में भी बोलते हैं कि घर में सांप पाल रहे हैं, यानी घर में वह दुष्ट प्रकृति का आदमी है जो दूसरों का बुरा चाहता है। तो सांप के वंशज के द्वारा उन्हीं मनुष्यों की ओर संकेत किया गया है। ये नरभुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। यहाँ पे वह बोल रहे हैं कि यह तो न स्वयं मानव ही रहते और न ही मानवता को रहने देते हैं। ये मानव रूपी जो सर्प है वो मानवता की राह को बहुत कठिन कर देते हैं। नरभुजंग का तात्पर्य है कि मानव रूपी सर्प, और यह अपने शत्रु को मारने के लिए सांप का सहारा लेते हैं। यानी वो बोलना चाहते हैं कि जो व्यक्ति सांप का सहारा लेकर अपने शत्रु का नाश करे, वो बहुत ही नीच प्रकृति का होता है, क्योंकि उनमें अपने शत्रु का सामना करने की हिम्मत और शक्ति नहीं होती है, उनके अपने बल पर उन्हें संदेह होता है। इसीलिए वह अपने शत्रु पर विजय पाने के लिए सर्प का सहाय मतलब सर्प की सहायता लेते हैं। अब आप लोग प्रस्तुत पंक्तियों की सविस्तार व्याख्या करेंगे। थैंक यू बच्चों, अब आप लोग मुझे अपना होमवर्क नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे अगले दिन दोपहर 1:40 के अंदर सेंड करोगे।